सी ने सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप सभी को बता दें कि ये एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें ना तो आपकी कोई लंबाई चेक की जाती है, ना कोई चेस्ट चेक की जाती है, ना ही कोई फिजिकल होता है। केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है। और इसमें 10th पास के लिए भी वैकेंसी होती है, 12th पास के लिए भी वैकेंसी होती है, और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी होती है। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होती है। एज क्राइटेरिया काफी बढ़िया होता है, 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस मात्र आपकी 100 रुपीज जाती है। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी पोस्ट के बारे में। तो देखिए, पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी निकाली गई है वो 2049 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसीज है वो आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है, यानी कि ये बाद में चेंज हो जाती है, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो आप इसे फाइनल नंबर मान के मत चलिएगा, क्योंकि एसएससी हमेशा अपनी वैकेंसी रिवाइज करता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपकी जो पोस्ट रहने वाली है, इसे बोला जाता है सिलेक्शन पोस्ट फेस 12 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। हर साल इस तरीके से वैकेंसी निकाली जाती है। बहुत सारे बच्चों को इसमें ये भी कंफ्यूजन रहता है कि ये होता क्या है। तो आप सभी को बता दें कि देखिए, भारत में बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं जिनमें कुछ कुछ छोटी छोटी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जैसे 2, 4, 6 ऐसे करके। और काफी सारे विभाग होने के बाद वो सभी वैकेंसी जो कलेक्ट होती हैं, उन सभी वैकेंसीज को क्या किया जाता है कि यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट फेस में निकाल दिया जाता है। तो इन्हें ही सिलेक्शन पोस्ट कहा जाता है, और फेस का मतलब है कि 12वीं बार आपकी वैकेंसी आ रही है। तो इसी तरीके से ये वैकेंसी आती है। इसमें क्या है कि लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक की आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी, और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके से जॉब अपडेट रेगुलर सबसे पहले मिलते रहे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है कि 10वीं पास, 12वीं पास, या फिर ग्रेजुएट पास, या इससे ऊपर क्वालिफिकेशन आपके पास, तो इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फिजिकल, हाइट, चेस्ट वगैरह कुछ भी मेजर नहीं होता है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे फिर बात आती है आपकी एज की। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और इनकी एज 18 से 42 साल के बीच में है, तो वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट 18 से 45 साल तक, एससी एसटी कैंडिडेट 18 से 47 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2024 से, तो आपकी न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इस दिन अपनी उम्र की गणना कर लेना अगर आपकी 18 से 42 ईडब्ल्यूएस इन जनरल कैटेगरी में है, बाकी का रिजर्व कैटेगरी में 18 से 45 और 18 से 47 है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो केवल 2 स्टेज आपकी होती हैं। कुछ पोस्ट के लिए तो केवल एक ही स्टेज होती है, वो होती है आपका रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे कुछ जो पोस्ट होती हैं वो आपकी होती हैं, जैसे एलडीसी हो गया, स्टेनो हो गया, कुछ इस तरीके की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर आप एलडीसी, स्टेनो, इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट का मतलब, अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना होगा। अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते और सिंपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपका स्किल टेस्ट नहीं होता है, केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होगा तो ही स्किल टेस्ट देना है, अदरवाइज आपको स्किल टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी होता है, फिजिकल वगैरह यहाँ पे कुछ होता नहीं है, तो हाइट वगैरह आपकी मैटर नहीं करती। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका जो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस होता है, सिलेबस क्या होता है, तो एक बार यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं जिससे कि आप सभी को यहाँ पे सिलेबस भी समझ में आ जाए। तो ये इसका सिलेबस होता है जिसमें आप सभी देखेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है कि जो आपका लेवल होता है वो लेवल 3 फेजेस में आपका डिवाइड होता है। यानी कि अगर आप मैट्रिकुलेशन की पोस्ट देख रहे हैं, 10वीं पास की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है तो लेवल आपका 10वीं पास वाला होगा। अगर आपने 12th वाली के लिए अप्लाई किया है तो आपका लेवल जो होगा वो हायर सेकेंडरी वाला होगा। या फिर आपने ग्रेजुएशन या इससे ऊपर के पोस्ट के लिए, उससे ऊपर के लेवल के लिए अप्लाई किया है तो उससे ऊपर का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा।
यानी कि एग्जामिनेशन तो आपका साथ के साथ चलता रहता है, लेकिन आप जिस पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसी लेवल का एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने 10th पास के लिए अप्लाई कर दिया है और आपको जो एग्जामिनेशन का लेवल हो वो ग्रेजुएशन वाला मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने 10वीं पास के लिए अप्लाई किया है तो आपके एग्जामिनेशन का लेवल भी 10th पास वाला रखा जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे सिलेबस में होता क्या है, तो टोटल आपके चार सेक्शन में ये डिवाइड होता है। पहला आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, फिर आपका जनरल अवेयरनेस, और नंबर सी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक, आपका बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स चेक की जाती है। फिर आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज यानी बेसिक नॉलेज आपको इंग्लिश की होनी चाहिए, और हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी हर एक सेक्शन के लिए 50-50 नंबर आप सभी को दिए जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क्स आप सभी को यहाँ पे दिए जाते हैं। पेपर का समय होता है 60 मिनट, तो 1 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है, 100 क्वेश्चन के आंसर 1 घंटे में आपको देने हैं। साथ ही में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है, हर एक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक आपके काट लिए जाते हैं, यानी कि हर एक गलत उत्तर के लिए 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये यहाँ पे ये पूरा इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जिस लेवल की पोस्ट के लिए आप एग्जामिनेशन देंगे उसी लेवल का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें देखिए फीस की, कि यहाँ पे फीस कितनी होती है, तो यहाँ पे केवल 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस होती है आप सभी को पता है एसएससी के लिए, और ये केवल 3 कैटेगरी के लिए होती है, जनरल, ओबीसी एंड आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो अगर आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस पे करने की जरूरत है, वो भी केवल मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं तो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आप फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है, मेल एंड फीमेल के लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आपको डेट बता दी गई है, 26 फरवरी 2024 को रिसेंटली से अपडेट किया है। तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है आपकी 26 फरवरी 2024 से लेकर 18 मार्च 2024 इसकी डेट रखी गई है, तो इसके बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे करेक्शन की डेट आपको 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आपको करेक्शन करने का टाइम भी दिया गया है, तो यहाँ पे करेक्शन भी आपका हो जाएगा। साथ ही में जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो 6 से 8 मई तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे डेट्स वगैरह सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और आपके आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, फेस 11/2024 सिलेक्शन पोस्ट का फेस यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके लिए आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। एज क्राइटेरिया वगैरह 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा, साथ ही में इसकी क्रूशियल जो डेट होगी वो आपकी अलग आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी का अगर हम बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह वो आप सभी को यहाँ पे नीचे देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वहां पे आप सभी को ये पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि कौन से लेवल की पोस्ट है। जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो वैकेंसी निकाली हुई है ये रीजन वाइज आपकी वैकेंसी होती है, ये एनआर रीजन में आपकी वैकेंसी निकाली हुई है। अगर आप एनआर रीजन से आते हैं तो इसमें क्या है, स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी निकाली है। इसमें एज देखो 18 से 27 साल, लेवल 2 की आपकी सैलरी रहेगी, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली हुई है, इसके लिए 18 से 27 लेवल 3 की पोस्ट है, और हायर सेकेंडरी यानी 10+2 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने रीजन में अप्लाई करना है, तो आपके रीजन की यहाँ पे सभी की वैकेंसीज आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं यूटीसी की वैकेंसी निकाली हुई है, जिसके लिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 की पोस्ट है, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेना है, टोटल 2049 वैकेंसी का डेटा अब तक यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीजन देखेंगे कि कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हैं, रीजन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर उसमें आपको वैकेंसी देख लेनी है कि कौन सी वैकेंसी के लिए हमें अप्लाई करना है, तो इस तरीके से आप उस पोस्ट के लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड करने का ट्राई किया है, उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आप सभी को इसके बारे में मिल गई होगी। जो भी बच्चे सीआर जैसे सेंट्रल रीजन का अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल रीजन की भी यहां पे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी, सभी रीजन की यहां पे दी हुई है इस नोटिफिकेशन में, सारे रीजन की आपको मिल जाएंगी। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इस नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि सीआर रीजन की बहुत सारी वैकेंसीज दे रखी हैं, एमटीएस लेडी मेडिकल अटेंडेंट की ये वैकेंसी दे रखी है, जिसके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए, महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं।
तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, नंबर वैकेंसी इंक्रीज भी हो जाती हैं। आई होप पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।